Yoddha Garud. शेषनाग, तुम मेरी शैया तो बन गए, किंतु तुम्हारा हृदय इतनी तीव्र गति से धड़क रहा है कि मैं विश्राम नहीं कर पा रहा हूं। बताओ, तुम्हारा हृदय इतना विचलित क्यों है? क्षमा कीजिए प्रभु, पर जो भी मन में है निसंकोच कहो शेष। प्रभु, आपके समाधि से बाहर आने से पहले जो व्यथा मेरे मन में थी वो अब भी वही है। पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है उसी से मेरा मन विचलित है प्रभु। तुम मेरा आसन तो बन गए, किंतु माया के जाल से अब भी जकड़े हुए हो शेष। सारा संसार छोड़ दिया, पर मां तो संसार से ऊपर होती है ना प्रभु। मेरी मां कद्रु ने क्रोध में आकर मेरे भाई गरुड़ को इतना बड़ा श्राप दे दिया कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा कि किसके लिए दुखी हूं। उस मां के लिए जो अपनी आंखों के सामने अपने पुत्रों को प्राण गंवाते हुए देख रही है, या उस भाई और विमाता के लिए जो निर्दोष होते हुए भी इतना अन्याय सहने के लिए विवश है। तुम्हारी पीड़ा उचित है शेष, बताओ मन में इच्छा क्या है? मेरे भाइयों के कष्टों का निवारण कीजिए प्रभु, उन्हें जीवन दान दे दीजिए ताकि मां गरुड़ का श्राप सार्थक न हो पाए और गरुड़ और विमाता विंता का भी उद्धार हो जाए। आज आपको भक्तों की सहायता करने आना ही होगा प्रभु, अन्यथा मैं कभी आपकी पूजा नहीं करूंगी। आप पर से मेरी आस्था खत्म हो जाएगी। प्रभु, आपको आना ही होगा, आना ही होगा आपको। आपकी तपस्या सफल हुई देवी अदिति। देवी अदिति, देवी अदिति, देवी अदिति, देवी अदिति।
नारायण। अब इन आंसुओं को पहुंचने का समय आ गया है। आपने ये भीषण तपस्या अपने पुत्रों की प्राण रक्षा के लिए, उन्हें सामर्थ्यवान बनाने के लिए और उनका खोया हुआ सम्मान उन्हें लौटाने के लिए की, पर यह तब तक संभव नहीं जब तक देवी लक्ष्मी वापस लौट नहीं आती। ये अपराध मेरा है प्रभु, मैं ही अपने पुत्र को अहंकार से नहीं बचा पाई, जिसके कारण महर्षि दुर्वासा का श्राप मिला। तूने विजय श्री की प्रतीक परम पूजनीय रुद्राक्ष की माला मेरे आशीर्वाद और उससे भी अधिक मेरे आराध्य भगवान शिव के वरदान का पान किया है। आज से तू और तेरे सभी देवता श्रीहीन हो जाएंगे, तेरा ऐश्वर्य भूमि में मिल जाएगा, श्री समुद्र में चली जाएगी, ये मेरा श्राप है तुझे। और आप और देवी लक्ष्मी विरह की असहनीय पीड़ा सहने पर विवश हो गए। देवी अदिति, पुत्र की भूल के लिए आप स्वयं को अपराधी मत मानिए। आप भली भांति जानती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं और इसीलिए आपके पुत्रों के कष्टों के निवारण के लिए मेरे पास एक उपाय है, जिससे ना केवल देवताओं का खोया हुआ मान सम्मान वैभव लौट आएगा, अपितु इस संसार में श्री भी लौट आएंगे। अब आप मेरा ये संदेश अपने पुत्रों को दें कि वे शीघ्र अतिशीघ्र मुझसे आकर भेंट करें, उनका कल्याण होगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके मन में कोई और दुविधा भी है, निसंकोच कहिए देवी। प्रभु, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मेरी तपस्या के सफल होने का कारण कोई और भी है, कोई ऐसा जो मेरी रक्षा कर रहा था। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.